स्वागत है हमारे चैनल फूड विद टिप्स में। आज हम नींबू पुदीना पानी बनाने जा रहे हैं। ये गर्मी के मौसम में सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और ये पाचन शक्ति में भी लाभदायक होता है। तो हम नींबू पुदीना पानी बनाते हैं और इसे पीते हैं। ये ड्रिंक बहुत ही हेल्दी होता है और गर्मियों में तो समझ लीजिए रामबाण दवा का काम करता है। तो हम अगर एक गिलास ठंडा ठंडा पी लें तो समझ लीजिए शरीर से गर्मी दूर हो जाती है। तो हम इंग्रेडिएंट देखेंगे और फिर नींबू पुदीना पानी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले पुदीना लेंगे, इसे हमने धो के सुखा के और रख लिया है। ये एक कप पुदीना है, इसकी हमने डलिया हटाई, धोई, सुखाया और इसे रख लिया। तो हम इसे जार में डालेंगे और इसमें हम एक चम्मच भुजा हुआ जीरा डालेंगे। सभी चाय चीज़ फायदेमंद है। ये एक चम्मच हम काला नमक लेंगे और हमने चार चम्मच चीनी लिया है क्योंकि हम चार लोगों के लिए बना रहे हैं। आप चाहें तो चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। ये हमने दो नींबू लिया है तो इसका जूस भी हम इसी चार में डाल देंगे। तो हम इसे काटेंगे नींबू को और इसका जूस निकालेंगे। जार में ही डाल के एक साथ सारा सामान मिक्स करेंगे। तो हम छन्नी की सहायता से जूस निकालेंगे ताकि इसका बीज हमारी छलनी में रुक जाए। तो हम जूस निकालेंगे इसका, हम दोनों नींबू का जूस निकाल देंगे जार के अंदर ही और फिर नींबू पुदीना पानी बनाएंगे। तो पहले हम नींबू निचोड़ते हैं। दोनों नींबू को हम काट के अच्छे से निचोड़ के और उसका जूस जार में ले लेंगे और फिर ठंडा ठंडा नींबू पानी पुदीना बनाएंगे हम। तो हमने दोनों नींबू निचोड़ लिया है। और हम बीजों को देखिए छन्नी में रुक गया है। तो अब हम बीजों को हटा देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो जूस छन्नी में है वो जार में आ जाए। हमें पीसते समय पानी की ज़रूरत थी तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है, आधी कटोरी लगभग। और अब इसे ढक्कन बंद करेंगे और बिल्कुल बारीक होने तक हम इसे पीसेंगे। तो देखिए हमने इसे बिल्कुल बारीक होने तक पीस लिया है और पीस के अब इसे हम एक जार में छन्नी की सहायता से छान लेंगे। तो हम इसे छान लेते हैं। हमने छान लिया देखिए, और थोड़ा सा मसाला बच गया है तो इसे रहने देंगे और हमारा नींबू पुदीना पानी रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब हम ग्लास लेंगे। हमने जैसे बताया कि हमने चार लोगों के लिए बनाया है तो हम चार ग्लास लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ग्लास लेते हैं। और अब इसमें हम आधा ग्लास नींबू पुदीना पानी जो हमने बनाया है मसाला उसे डालेंगे। तो हम आधा आधा ग्लास ग्लास में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सादा नमक भी थोड़ा थोड़ा डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम मीठा ही सर्व करेंगे। और दो पीस आइस के डालेंगे। तो हमने दो दो पीस आइस के डाल दिए हैं और अब हम ग्लास में पानी डालेंगे, ठंडा ठंडा पानी डालेंगे और ग्लास को पूरा भर देंगे। ये देखिए हमने ग्लास में ठंडा ठंडा पानी डाल दिया है, नींबू पुदीना पानी रेडी है। तो अब इसे थोड़ा सा सजाएंगे हम। तो हम यहाँ पे नींबू के स्लाइस लिए हैं, इसे लगाएंगे ग्लास में, नींबू स्लाइस चारों ग्लास पर लगा देंगे, इससे देखने में अच्छा लगता है। तो हम इसे लगाएंगे, बच्चे इस डिश को आसानी से पी लेते हैं और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और हमने नींबू पुदीना पानी बनाया तो इसमें थोड़ी सी पुदीना की पत्ती डालेंगे। ये देखिए दो दो पत्ती दो टुकड़े करते हुए हम डाल देंगे, इससे देखने में लुक भी अच्छा आता है।
तो हमने दो दो पत्ती तोड़ के डाल दिया है। आप देख रहे हैं हमारा नींबू पुदीना पानी रेडी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड। तो हम बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो हम स्ट्रॉ लगाएंगे। हमने दो बच्चे और दो बड़े के लिए बनाया है, तो हम दो बच्चों के ग्लास में स्ट्रॉ डालेंगे और तो ऐसे ही रहने देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा नींबू पुदीना पानी तैयार है। आप भी इसे घर पे बनाइए, बाज़ार जाके पीने से अच्छा हम घर पे बनाएं और सेहत का ख्याल रखें। और ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है, गर्मी में तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, पाचक शक्ति में भी फ़ायदा करता है। तो नींबू पुदीना पानी बनाइए, पीजिए और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। तो हम फिर मिलते हैं नई डिश के साथ। नमस्कार।